अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाजरीन हाजिर हैं हम उस फिल्म के साथ जो साल 1971 में 34वें नंबर पर रिलीज हुई और ये फिल्म थी दर्रा खैबर। हबीबुल्ला प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म के प्रोड्यूसर हबीबुल्ला थे, जिसकी कहानी भी हबीबुल्ला ने खुद ही लिखी। मुकालमे यूनुस कियासी ने तहरीर किए। फिल्म के हिदायतकार मुमताज अली खान थे, जिसकी अक्सबंदी अमीरुल्ला खान ने की। पश्तो जुबान की यह फिल्म एवर न्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई। अदाकारों के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। क्योंकि हमारे चैनल पे हैं आपके लिए 1948 से लेके अब तक की तमाम पाकिस्तानी पुरानी फिल्मों की मुकम्मल और मुफस्सल मालूमात, जिनमें शामिल हैं उन फिल्मों की खूबसूरत कहानियां और उनके दिल फरेब गीत। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और खो जाइए पाकिस्तान के माजी की फिल्मी दुनिया में। अब आइए एक झलक इस फिल्म के अदाकारों पर डालते हैं। फिल्म के नुमाया अदाकारों में आसिफ खान, सुरैया खान, रब नवाज, उमर दराज, अमान, जबीना खान, इशरत चौधरी और रेहाना शामिल थे। नाजरीन पश्तो फिल्मों और उर्दू फिल्मों के मारूफ अदाकार जनाब आसिफ खान और सुरैया खान ने इस फिल्म से अपने फनी सफर का आगाज किया। इस फिल्म का म्यूजिक, शायरी और गाने किन लोगों के जरिए तरतीब पाए, किन गुलकारों ने इस फिल्म में अपनी आवाज़ का जादू जगाया, किस शायर ने उन गीतों की शायरी की और किस मौसीकार ने उसकी धुनें तरतीब दी, आइए देखते हैं। गुलनार बेगम, किश्वर सुल्तान, जबीना खान और ख्याल मोहम्मद के गाए गानों की मौसीकी रफीक शिनवारी ने तरतीब दी, जिसकी शायरी यूनुस कियासी, कासिम हसरत, जहां जेब और सुहेल ने की। अब आइए एक झलक इस फिल्म के गानों पर डालते हैं। خیبر در میں پختو زمین شان دے گا پختانے اوپر وطن مرگر نلل والے گاگر گے سکاد رسی گی جلنو تاج گور منتر گی مرمی گی گور مشر میں گم ورد لے نشم بارا खुशाली पैसा सुना दी अरफाता बलशे अरफाता बलशे वी नंदनी नी माशालू ना दी शनाद नस दोटी रखे तमलो हीना खलता अरफान पवाद अगले दीना खूब नाद जान है बस मलवन जमाल दे नशे गोर ले वने नशे जाना बस रख जंदे नाजरीन ये फिल्म 14 मई 1971 बरोज जुमा पाकिस्तान भर में रिलीज की गई। कराची में इसे ताजमहल, नरगिस, लैरिक, सुपर टाकीज, तस्वीर महल, मैजिस्टिक और लाहौर के क्राउन में नुमाइश के साथ पिशावर के पिक्चर हाउस में भी रिलीज किया गया। इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया और सर्किट के मेन सिनेमा के साथ बकिया सर्किट में 21 से 24 हफ्ते कामयाबी से गुजारे और इसकी इसी शानदार कामयाबी की वजह से ये साल की दूसरी सुपरहिट फिल्म करार पाई। तो ये था फिल्म
दर्रा खैबर का एक मुख्तसर रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।